हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम आए हैं स्वर्गीय सेठ श्री नवीन चंद मुफतलाल उद्यान, जो कि विस्तान गार्डन के नाम से फेमस है। इसके पहले घड़ी गार्डन के नाम से फेमस था, अभी विस्तान गार्डन के नाम से फेमस है, जो कि सूरत में है। तो आइए देखिए विस्तान गार्डन और मजे लीजिए विस्तान गार्डन के। ये गार्डन बहुत बड़ा है तो वीडियो लंबी हो जाएगी, कृपया अंत तक देखें, बहुत अच्छा लगेगा गार्डन। बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए हर जगह पानी भरा हुआ है, ये बारिश हो रही है आजकल, ज़्यादा ही हो रही है। सुबह का टाइम है और हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही है। देखिए लोग एक्टिविटी करते हैं, मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। ये बच्चों के खेलने के लिए बच्चे आते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। बहुत लोग आते हैं सुबह टाइम भी, बहुत लोग आते हैं मॉर्निंग वॉक पे। आज बारिश ज़्यादा हो रही थी, सुबह तक हो रही थी, इसलिए आज कोई बहुत कम ही लोग आए हैं। शाम को तो भीड़ होती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। लोग इंजॉय करने आते हैं फैमिली के साथ। तो देखते रहिए गार्डन के बेहतरीन नज़ारे। एक तो सुबह का टाइम है इसलिए और भी अच्छा लग रहा है। और ये है यहाँ का फाउंटेन, जो कि बहुत बड़ा है, अब शायद चलता नहीं है। पहले जब चलता था बहुत अच्छा लगता था, ऊंचा बहुत ऊंचा, कलरफुल लाइटें थी जिसकी वजह से पानी भी कलरफुल दिखता था, बहुत अच्छा लग रहा। बहुत लोग इसी को देखने आते, ज़्यादातर लोग इसी को देखने आते। Thank you.
ये ब्रिज है, स्विमिंग पूल बना हुआ है, और ये है सप्तमेव जयते राष्ट्रीय चिन्ह, जो कि बहुत अच्छा लगता है। स्विमिंग पूल के बीच में दोनों तरफ बना हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, इधर भी एक्टिविटी करने के लिए बना हुआ है, मॉर्निंग वॉक में एक्सरसाइज करने लोग आते हैं यहाँ पे। दोनों तरफ है, इसके पीछे भी है, इधर भी है। और ये है घड़ी, जो कि बहुत बड़ी थी, पहले चलती थी, अभी तो टूट फूट गई है। बहुत बड़ी घड़ी थी, लोग इसको घड़ी गार्डन के नाम से भी जानते थे, क्योंकि यहाँ पे बड़ी सी घड़ी थी ना, इसलिए। गाइस, कैसा लगा आप सभी को बिस्तान गार्डन? आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।